तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी की दो ऐसी सेटिंग जिसको आपको अपने मोबाइल में ऑन करके रखना चाहिए, जो कि बहुत ही यूजफुल है। ये जब आप यूज करेंगे तो आपको बहुत काम की आती है, हर बार ये आपके लिए काम की होगी। तो क्या ये सेटिंग है, कहाँ मिलेगी, कैसे इसको यूज करना है, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों सबसे पहला जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको आपको अपने मोबाइल पे इनेबल करना चाहिए, वो ये है नोटिफिकेशन रिलेटेड। दोस्तों हमारे पास बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है और बाई चांस कभी हम उसको सारी क्लियर कर देते हैं, या फिर गलती से हम जैसे क्लियर हो जाती है, या कोई भी हमारा फ़ोन रहता है और वो यू क्यों करके क्लियर कर देता है। तो अब क्या रहता है यार, हमें नोटिफिकेशन देखना रहता है कि हमारी कौन कौन सी नोटिफिकेशन आई थी और किस किस ऐप में आई थी, ये हम कैसे चेक करें। क्योंकि यार हम तो उसी को ही पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी आदत हमेशा रहती है, मैं उसको कभी क्लियर नहीं करता जब मेरा टाइम मिलता है, जब मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। बट जब भी कोई मेरा रिलेटिव या कोई फ्रेंड मेरा मोबाइल लेता है, वो सबसे पहले क्या करेगा, नीचे जाके क्लियर ऑल कर देता है, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन चली जाती है और बाद में उसको मैं कैसे रीड करूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या रहता है, यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन में जाने के बाद जाना है एडवांस सेटिंग पे। यहाँ पर आपको एक फीचर मिलता है बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन हिस्ट्री का, तो आपको इसको ऑन करके रखना है। ऑन करके रखने के बाद क्या होगा, जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी सारी ऐप्स की आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ऐप वाइज दिख जाएगी, कब आई थी, किस टाइम आई थी, सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप देखेंगे व्हाट्सअप में भी, अगर आपको देखना हो तो व्हाट्सअप की भी आपको दिख जाएगी, मैसेज की देखना हो तो मैसेज की दिख जाएगी, इंस्टाग्राम देखना हो तो इंस्टाग्राम दिख जाएगा, यूट्यूब देखना हो तो यूट्यूब देखना, मतलब सारी आपकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लगभग 1 डेज की तो यहाँ पर नोटिफिकेशन सेफ रहती है, जिसको आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और ज़्यादा दिनों तक आपको नोटिफिकेशन को चेक करना हो या फिर आपको रीड करना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ऐप डाउनलोड करनी होगी जो कि आपको मिलेगी गुड लॉक के अंदर। तो यहाँ पर जाना है आपको अपने मोबाइल के गुड लॉक में। गुड लॉक में जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद आपको जाना है वहाँ पर नाइस कैच में। तो ये वाली गुड लॉक में जाने के बाद आपको जाना है नोटी स्टार में। तो ये वाली ऐप को आपको ऑन कर लेना है। ये क्या करेगा, ये आपकी सारी ऐप लिस्ट की जितनी भी नोटिफिकेशन है उसको स्टोर करके रख लेगा। आप देख सकते हैं डेट वाइज यहाँ पर बता देगा, जैसे मैंने 26 तारीख से यहाँ पर सेव कर रखा है। इंस्टा व्हाट्सअप आपको एक एक यहाँ पर अलग से भी ये बता देगा, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका डेटा वहाँ पर सेव हो जाएगा और फिर आप लंबे टाइम तक की नोटिफिकेशन भी रीड कर पाएंगे। ये सबसे पहली सेटिंग आपको ऑन करना चाहिए। दूसरी सेटिंग होता क्या है दोस्तों, दूसरी सेटिंग ऐसी है कि हमने बहुत जगह हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हमने स्क्रीनशॉट लिया कहीं से भी यूं करके स्क्रीनशॉट ले लिया और वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर कहीं गलत सा आ गया। अब गलत आ गया तो हम उसको डिलीट करना हो, डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार हमें गैलरी में जाना पड़ेगा, फिर हम जाके उसको डिलीट कर पाएंगे। पर मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूँ, अगर आप उसको इनेबल करके रखेंगे तो आप उसको डायरेक्टली यहीं से ही डिलीट कर पाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जाना है यहाँ पर गुड लॉक में नाइस शॉट वाली ऐप में, यहाँ पर आपको ऐड डिलीट बटन को ऑन कर लेना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली यहीं से ही स्क्रीनशॉट को डिलीट कर सकते हैं, ताकि आपका मेमोरी गैलरी की ना जाए और अननेसेसरी के जो स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं वो उस गैलरी में सेव ना हो। तो दो सेटिंग जो कि मैंने आपको बताई जिसको आपको ऑन करना चाहिए, जो कि बहुत ही यूजफुल है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और यार यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक यू।